जी क्या क्या मेमो चाहिए? हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, माय डॉक्यूमेंट और सबसे ठीक है. अच्छा हमारे पास नहीं है. अच्छा और कुछ चाहिए? एक लाइन दीजिए ना. कितने बाईस साल कैट हो गए बताओ ना. देखो ये तुम्हारा माय डॉक्यूमेंट है. इसमें इसका नाम क्या है? नंबर ऑफ लाइंस. और ये क्या है? लाइंस. ये लाइंस का पॉइंटर है. पॉइंटर है इसका मतलब अभी इसमें गार्बेज है इसको बस. ये मेमोरी लूंगी अब ये मत. तो सर आगे वो जो तो बताएगा बात देखेंगे. कुछ नहीं बना डॉक्यूमेंट. अभी कुछ भी नहीं बना. अभी जो हमने बनाया उसे नहीं बनाया. ओके ऑलराइट. आप बताएं जी पहला स्टेप क्या है? इनिशियलाइज. इनिशियलाइज परफेक्ट. इनिशियलाइज बाय द वे इनिट का जो स्टेप है इसमें अभी तक हमारा जो फेज वन है जो पहला फेज वन उसमें हम ऑफ कोर्स ये माय डॉक्यूमेंट भेज देते हैं. ये बाय रेफरेंस भेजेंगे या सिंपल भेजेंगे? बाय रेफरेंस. बाय रेफरेंस. ये माय बाय रेफरेंस चेंज हो गया. वैसे ही तो चेंज हो गया. और एक्चुअली इसने करना क्या है? इसने नंबर ऑफ लाइन को जीरो कर देना है और लाइन का करना है वन फोर. हां अगर अगर शुरू में इसको एम्प्टी रखना है तो एम्प्टी रख दो. लेकिन आई वुड आल्सो सजेस्ट कि तुम पहले जब भी एक डॉक्यूमेंट बनाते हो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक लाइन होती है. सर नंबर ऑफ लाइन तो वन होगा. नंबर ऑफ लाइन शुरू में वन. शुरू में तो ऐसा करें इसके एनओएल की जो वैल्यू है उसको वन करके है और जो इसकी वैल्यू है ये क्या करते हैं? एक्चुअली होगा ये इनिट का फंक्शन है. इस इनिट के फंक्शन में ऑफ कोर्स ही डॉक्यूमेंट टाइप का बाय रेफरेंस जा रहा है जिसका नाम है एमडी. एम डॉक्यूमेंट ये करता है ये एमडी डॉट नंबर ऑफ लाइंस को कर देता है वन और साथ ही एक लाइन की लाइन भी बना देता है. और हाउ इट विल गोइंग टू डू दैट? इट विल गोइंग टू मेक दिस वन लाइन. तो एमडी डॉट लाइंस is equal to new line NOL. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NOL भी आ सकता है, भी जो मर्जी बन दे. MD dot dot NOL. Why MD dot NOL? क्यों? एक लाइन एक नंबर. ये बात समझ? ठीक है? Does it make sense? ये जब आपने new line की है, अब कितनी मेमोरी और बन गई? 800 इस लाइन के एग्जीक्यूट करने से क्या हुआ?
मतलब अभी तक जो हमने जितने भी ये बारे में क्या बनी है ये मेमोरी कहाँ भरी हुई होगा स्टैक में स्टैक पे ये मेमोरी कहाँ भरी है इसके पास सिर्फ एड्रेस आएगा और ये एक साइज की अरे बन जाएगी हीप में लाइन और ये जो लाइन है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है देखो ये लाइन का स्टैक कहाँ जा रहा है एक इंटीजर पड़ा हुआ है और एक पॉइंटर पड़ा हुआ है एक्चुअली एक इंटीजर बन जाएगा तो अब एक्चुअली क्या होगा अब आपके पास एक 8 बाइट और एलोकेट हो गए और ये कहां पर बने ये हीप पे जाके बने और इसके अंदर क्या है ऑफ कोर्स इसका साइज है ठीक है और एक सीएस का पॉइंटर और ये सीएस क्या है हाँ ये कैरेक्टर पॉइंटर का एक एक पॉइंटर है राइट इसमें बाय डिफॉल्ट अभी क्या वैल्यू पड़ी होगी गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी इसमें क्या पड़ा होगा अभी तक नहीं है जीरो इसमें से तक कुछ भी इसके ऊपर लिखा नहीं गया गार्बेज के जीरो इसमें गार्बेज पड़ी होगी इसमें जीरो अगर इसकी वैल्यू जीरो है इसका मतलब है कि इस स्ट्रिंग को रीड नहीं करना अगर मेक सेंस सर आप बोल रहे हैं जीरो को करें जीरो से इनिशियलाइज कर सकते हैं क्या अरे क्या पॉइंटर को जीरो से इनिशियलाइज कर सकते हैं ये साइज है बेटा ये साइज है देखो ना स्टक के अंदर पहले साइज है फिर सी है सी है ना तो सी को साइज के हिसाब से ही करना है इनिशियलाइज क्या ये जो कैरेक्टर कैरेक्टर सीएस की जो लेंथ है मतलब कि अभी हमने जब हम लिखना शुरू करेंगे तब उसका साइज इंक्रीमेंट करेंगे ना अभी जीरो अभी जीरो जीरो से बड़ी क्लियर हो जाएगा वो इनिशियली ये तो पॉइंटर तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं इस पॉइंटर के थ्रू अगली अरे एलोकेट हुई नहीं वो नजदीक नहीं होता तो वही मैं पूछ रहा हूं जीरो जीरो से हो सकती है एलोकेट नहीं हो सकती जीरो साइज के अरे नहीं है मतलब कि अभी हमने अरे एलोकेट की नहीं ठीक है आगे अब हमारा मेन सोल्यूशन है ना हमने इनिशियलाइज कर दिया हमारा डॉक्यूमेंट बन गया हमारी पहली लाइन का पॉइंटर बना है लेकिन पहली लाइन एक्चुअली फिजिकली बनी नहीं है जो पहली लाइन बनी थी ना जो पहली लाइन बनी नहीं है ना अब हमने एक्चुअली करना क्या अब हमें करना है फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हमारा मेन फ्लो है जो कि लिखना शुरू है ना तो हमारे पास ये फाइल है फाइल में फॉर एग्जाम्पल हम अभी तक कुछ नहीं कह रहे एग्जिट हुआ है या नहीं सुबह टू रख ठीक है अब इसके अंदर जो है सारा काम होना है इसमें हम कहते हैं सबसे पहले इफ के भी वो हमारा शो होना शुरू होता है कैसा हमारा काम दिखा रहा होगा अगर कैंडिडेट होता है तो हम कोई काम करेंगे अदरवाइज हम क्या करते हैं अदरवाइज हमारा सिंपल एक गो टू रो कॉलम है ठीक है और गो टू रो कॉलम में हम सिर्फ और सिर्फ क्या भेज देते हैं सी आर बस वो वहां लिंक करना है ठीक है अगर आपने इस पर टाइमर लगाना है तो मुझे टाइमर लगा दें भाई जितनी देर बाद वो वहां पर कर्सर ब्लिंक करे वरना ना करे अगर केपी हिट होती है तो अब हमने एसेंशियली करना क्या है मुझे एक छोटी सी बात बताओ ये अगर केपी हिट होती है तो पहला काम ये इंस्पेक्टर को रिसीव करना C is equal to S is equal to H अली कहता है कि हमें कहते हैं उसको इंटीजर में रिसीव करते हैं और पहले देख लेंगे हाँ भाई कुछ स्पेशल की तो पैसा नहीं है स्पेशल की कैसे कैसे होगी वो मैं आपको कोड भेज दूंगा
वो आप बाद में देखेंगे, ठीक है। हम लेट से कहते हैं सिंपल सा केस है कि हमारे पास कैरेक्टर है, अब हमने बेटा करना क्या है, काली बड़ी बात है, जनरलाइज बात है, नहीं मुझे करना क्या है, चेक करेंगे सीसी जो है कर्सर वो लेंथ की साइज से नहीं है, यानी कि उसे बीच में तो अगर लिख रहा हो तो वो लेफ्ट पे लिख रहा है, आपके जहाँ मर्जी लिख रहा है सर, जो इस वक्त वो कहाँ पे लिख रहा है ये पता कैसे चलता है, हाँ सीसी में लिख रहा हो, शाबाश वो सीआर पे लिख रहा है, ये सीआर क्या है, ये हमारी डॉक्यूमेंट की, ये हमारी डॉक्यूमेंट की नंबर ऑफ लाइन है कि जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये बस में और ये बात की कर्सर रो, कर्सर रो, हाँ कर्सर रो, कर्सर रो, जो कर्सर रो है वही हमारे डॉक्यूमेंट लाइन नंबर होगी ना, इसमें हमारी कर्सर रो भी जीरो है और वो भी जीरो है, बता रहे इनिट के अंदर मेरे ख्याल में हमें सी आर और सी सी भी भेजनी चाहिए, क्यों जिस डॉक्यूमेंट इस वक्त वो जिस लाइन में है हमें वो बोली लाइन निकाल ली और हमने वहां पर ये नया कैरेक्टर ऐड किया है ना, हमने ये नया कैरेक्टर ऐड किया है, ठीक है, सबको बात समझ आ रही है, ठीक है। Now look at this, पहले मुझे बताओ कि वो वाली लाइन कैसे ढूंढूंगी, कौन सी एंट्री उठानी है, ये हमारे पास है लाइन नंबर आ गई है ना, इस लाइन नंबर को हम उठा लेते हैं, उठाते कैसे, हम एक और वेरिएबल यहां बना लेते हैं जिसका नाम है क्या, लाइन टाइप का हम एक पॉइंटर लिखते हैं जिसका नाम है करंट लाइन, सी है लाइन टाइप, ठीक है, ये लाइन टाइप का मैंने एक पॉइंटर बना लिया जो जिसे मैं एक्चुअली रिसीव करता हूं, ठीक है, लाइन टाइप का पॉइंटर बना लो या जस्ट ही, ठीक है, और इसका एड्रेस उठा, ये एड्रेस क्या है, एड्रेस पहला, ये जितनी ये लाइन बनी होंगी ना यहाँ, ये लाइन नंबर वन है, ये जीरो लाइन है, फिर इस तरह से अगली लाइन होगी है ना, तो मैं उसका एड्रेस उठा लूं, जब मैं उसका एड्रेस उठाऊंगा तो एक्चुअली मेरे पास ये मैं इसमें शेयर करूंगा ये करंट लाइन है, ये करंट लाइन क्या चीज है, ये लाइन जो लाइन है एक्चुअली ये जो करंट लाइन है वो पॉइंटर आ गया मेरे पास, कौन सा वाला पॉइंटर आ गया, जो लाइन जिस लाइन में मैं एडिशन करना चाहूं, इसे को आंसर लगे, जिस लाइन में मैं एडिशन करना चाहूं, तो और हम क्या करते हैं, हमने all we have to do is call cl in current line dot add vector, dot add vector add character in a line, ठीक है, इसको क्या पैरामीटर पास होना चाहिए, जब तक line क्या पसंद नहीं होता ऐसा, एक तो इसको करंट लाइन का एड्रेस जाना चाहिए और इस लाइन में ऐड होना है, एम डॉट, हां वो पॉइंटर में रिसीव कर लेगा, ठीक है, और हमें क्या पास करना है, एम डॉट, एम डॉट, एम डॉट भी भेजना है, सीआरसीसी भी भेजना है, वाई सीआरसीसी, सीआर सीआर में नहीं जरूरत, नहीं सीआरसीसी सीसी में की जरूरत है, ये क्यों भेजनी जरूरत है, क्योंकि सीसी को वो सीसी हमें एक्चुअली सीसी को पहले इंक्रीमेंट करना, सीसी को इंक्रीमेंट हमने शायद करना है बाद में, सीसी को इंक्रीमेंट करना है राइट, और साथ लेकिन हमने ये काम भी करना है बोले कि इस सीसी की बेस पे तो पता लग रहा है कि उसने लाइन के एंड पर राइट करना है या लाइन के मिडल में कहीं राइट करना है, ये बात समझ, तो ये एक जनरलाइज फंक्शन है जिसका नाम है एड कैरेक्टर इन ए लाइन, जिसको CL पास होता है, CC पास होता है, और एक चीज और पास होता है, S, S सिंबल, Y S सिंबल, ये
सी आर ही है साइज साइज क्या साइज सी सी ही है सी आर के अंदर साइज पढ़ा सी आर के अंदर सी आर को स्टार करके हम लोग डॉट लगाएंगे ना स्टार कर सी आर साइज करके सी एल स्टार करेंगे तो हमारे पास वो लाइन आ जाएगी ना उसका डॉट करेंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा डॉट करके हम साइज करेंगे तो हम उधर साइज इंक्रीमेंट कर सकते हैं बस भाई हमारे पास ये ऐड करके हमने कर लिया और हम क्या करेंगे दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं और मेरे ख्याल में अब एक आप यहाँ पर आप रिसर्च के लेके आ सकते हैं जब आप अगर आप देख रहे हो जिस लाइन को मैं एडिट कर रहा हूँ वो पूरी लाइन प्रिंट करनी है तो वो भी कर सकते हैं मुझे कोई इतराज नहीं है ठीक है लेकिन अगर पूरी लाइन को दोबारा प्रिंट करना चाहे तो दैट्स परफेक्टली फाइन ठीक है एज फार एज इट बोल रहा वो राइट करना ये सबको बात समझ मैंने क्या बात खुद अभी जिस लाइन पे मैं राइट कर रहा हूँ उस लाइन के ऊपर वो पूरा पूरा दोबारा राइट करना है तो ये वो कैरेक्टर राइट हो जाएगा वो यहाँ पर ऐड हो गया ना ऐड हो गया जब दोबारा प्रिंट लाइन करेगा तो वो नई लाइन प्रिंट हो जाएगी वही वही दोबारा जब वही पे पूरी लाइन तो लगेगा ऐसे कि वो ओवर ओवरहेड ठीक है तो प्रिंट लाइन में ये बात कर देंगे और शायद आई थिंक अगर आप चाहें तो चाहे सी एल भेजते हैं या चाहे आप क्या भेजते हैं एम डॉक्यूमेंट ठीक है जो मर्जी भेजना चाहें दोनों के थ्रू आप ये वहाँ पहुँचे ठीक है ये बात समझ वो कैरेक्टर ऐड हो जाए है ना everybody understand ये तब ये हमने जो राइटिंग किए ना वो हमने ये हमने जो कोड लिखा है ये हमने कोड लिखा भला क्या हम सिर्फ एक ही लाइन लिखना चाहते है ना हमने अभी तक डिटेक्शन वाला कोड नहीं लिखा कि अगर हम क्या करना चाह रहे हैं अगर हम हमारे पास मल्टीपल लाइन ठीक है या हम अगर हम एंटर दबा दें तो क्या हुआ वो सारी चीजें अब बाद की बात है इसमें तुम्हें क्या करना है हाँ मैं अब गैच करेंगे गैच के बाद नीचे इफ लगे होंगे कि अगर उसने एंटर प्रेस किया है अगर वो नई लाइन अगर वो दरमियान में ऐड कर रहा है वो तो ये सब इसी के अंदर ही हो जाएगा ठीक है और एक बात और थी सर सेव कैसे होगा सेव नहीं फिलहाल सेव नहीं फिलहाल सिंपल वो डॉक्यूमेंट बार बार जो भी हम लिखते जा रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं जी कैरेक्टर्स को किस तरह लिखते हैं आपको जब वो लाइन के अंदर कैरेक्टर डिक्लेयर करना है कितने कैरेक्टर है उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं हम लिखेंगे md dot lines ठीक है इसकी zero entry ठीक है dot size is equal to zero ठीक है यानी इसकी line number zero होगा पहला दो double मारा तो इसकी zero entry का dot size होगा zero अगर तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो m dot do dot lines का zero dot क्या कर देंगे cs pointer है उसको भी हम null कर देंगे अच्छा शुरू में ना तो शुरू कुछ करना ना करेगा जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है करना चाहिए और साथ C S is equal to पहले बार हम लोग एक लाइन करते हैं एक बार C R C C वो C ठीक alright ठीक है स्टार्ट बड़े सिंपल तरीके से करेंगे लेट्स से मैं एडिशन जो है वो हमेशा डॉक्यूमेंट की ज्यादा करूँगा एंड में पहले वो डॉक्यूमेंट के एंड पे करवा लो फिर बाद में देखना चाहिए मैंने किसी दरमियान में करवा लिया तुमने ठीक है अब हमें यहाँ पर बहुत सारे इस ये जो मैंने लिखा ना ये सिंपल एडिशन ये ऑफ कोर्स सी इफ में आएगा और ये कौन सा इफ होगा ये अगर कोई एरो की वगैरह नहीं है मैं बस डायरेक्टली लिख देता हूं ठीक है अब अगर कोई एरो की होगी तो फिर क्या होगा फिर वो उसके एस में होगा कि भाई अगर कोई एरो की प्रेस किया है तो कर्सर में चेंज आ जाएगा अगर वो डाउन एरो प्रेस करता है तो किस में चेंज आएगा रो में सी आर प्लस अगर आप एरो प्रेस करते हो क्या मतलब है सी आर माइनस में अगर वो राइट
मैं एरो की प्रेस करता हूं और मेरी एरो की लेट्स से नंबर ऑफ लाइंस कितनी थी एक ही थी मतलब मेरी नंबर ऑफ लाइन एक ही थी और मैं डाउन एरो प्रेस करता हूं तो उसे डाउन जाना चाहिए नहीं नई लाइन बना के जाना चाहिए तो वहां पर चेक लगेगा डाउन एरो में ये कहीं वो नंबर ऑफ लाइंस से बढ़ तो नहीं रहा और जीरो से जीरो से कम तो नहीं थी और वो इवा समझ ओए ये देख ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड तो और अब इसी तरह से एक और चेक होगा एस अगर क्या एस में एंटर करेक्टर तो नहीं आ गया तो कैसे करेंगे एस डबल इक्वल टू हमने देखा था क्या थी एंटर की रिड्यूस हां बैक सेशन हां बैक सेशन होता है 13 से डायरेक्टली कंप्लीट है और अगर 13 के बराबर से होगा क्या अगर 13 होगा तो क्या होगा एंटर एक्चुअली मैं यहां पर मैं तुम्हें बात बताता हूं कि इफ S double equal to 13 हो समझ रहे हैं? Add a new line, add a new line तुम्हें function बनाना चाहिए। इसे क्या parameter pass होगा? CR, उसे CR pass होगा। What CR? इसके बाद एक नई addition होगी। आपने ये सारी चीजें चक्कर ना किया तो मसला हो सकता है आप तुम्हारी जब एड ए न्यू लाइन होनी है तो तुम्हें यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेजना जरूरी है क्योंकि डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में नई लाइन आई है तो एक्चुअली नई एंट्री यहाँ पर आई है सर और सीएल भी जाना चाहिए वो एक सीआर के अंदर सीएल भी लगेगा एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है अच्छा बात सुन लेती प्लीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगर आप ये जो आपकी असाइनमेंट अभी आपको जो मिली हुई है वो जब आप खत्म करने के फौरन बाद प्लीज़ ये काम उसी वक्त शुरू कर दें ताकि आपके पास क्वेश्चन हो जो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकें क्योंकि अगर आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे तो मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा दैट्स द मैक्सिमम टॉक आई हैव टू डिलीवर ऑन नेक्स्ट सेमेस्टर ठीक है और इसका जो पार्ट बी है वो आप खुद पढ़ें उसमें जो भी सवाल है वो आप लेके आए इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट इसके ऊपर कोई बात नहीं ठीक है तो पार्ट वन वॉज दी ओनली पार्ट जो मैंने आप डिस्कस करना था पार्ट टू आपने खुद देखना है देखें किस तरह से कोई सवाल वगैरह है नेक्स्ट क्लास प्लीज आई